बताओ भाई आंसर इसका आंसर नहीं बताया तुम में से किसी ने अच्छा वट इज टू ड्रेल ऑफ द दिस्टिक सीरियल किलर इज द दिन दैट ही डिड इट बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी है बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आई एम टेकिंग क्लास इन माई इंस्टीट्यूट फोकस ऑन योर स्टूडेंट्स डियर अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो ठीक है ये तो सब बाद में देखते सुनते रहना यहां देखो यहां देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव पेन दैट आई कैन राइट ठीक है दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो They need they need a car that they can travel. See the purpose that he suffered for uh, suffered was very noble अभी तीन सेंटेंसेस देखो किसी बच्चों को समझ में आए एक बार देखो पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है क्या इन सेंटेंस को पढ़ के कुछ दिमाग में कोई इमेज बन रही कुछ मीनिंग क्रिएट हो रहा है दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने पढ़ा और हमें समझ में आया देखो एक बार आंसर बताने की कोशिश करो समझ भी नहीं आ रहा ओ हो यही तो टेढ़ी चीज़ हो जाती है कि बच्चे को सेंटेंस ही समझ में नहीं आता बेचारा करे क्या तो मैंने इजी लिख दिया ना इसीलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है ठीक है तो मैंने ईजी सेंटेंस लिख दिया कॉन्सेप्ट वही है जो कॉन्सेप्ट इनमें वही कॉन्सेप्ट उसमें मतलब कॉन्सेप्ट सेम है बट कॉन्सेप्ट भी तो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब पहले हमें समझ में आए कि बात क्या है ठीक है चलो ये वाले देखो ये वाले समझ में आ जाए ये तीन सेंटेंसेस देखो बच्चों हो सकता है ये सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आ जाए आप देखो आई हैव अ पेन दैट आई कैन राइट जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा तो दैट आई कैन राइट हमने लिखा ना ये रिलेटिव क्लॉज है पेन के लिए यूज की गई पेन का डिस्क्रिप्शन है तो ये रिलेटिव क्लॉज है अब इस रिलेटिव क्लॉज में जो दैट है ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया कैन राइट वर्ब हो गई आई सब्जेक्ट हो गया ठीक है अभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या होगा इस कैन राइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि रिलेटिव क्लॉज में जो हम कनेक्टिंग वर्ड लिखते हैं ना वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन खुद भी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में काम करता है तो हमें देखना है ये जो दैट हमने लिखा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो पेन के लिए यूज हुआ है ये इस क्लॉज में है क्या प्रोनाउन और नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही अपनी क्लॉजेज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रोल में होते हैं अभी जो दैट है वो इस रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो फिर ये है क्या क्या ये ऑब्जेक्ट है आंसर है नहीं ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता क्यों वैसे तो राइट right वर्ब ट्रांसटिव होती है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट पेन नहीं हो सकता इसका ऑब्जेक्ट कोई पॉइम हो सकती है कोई स्टोरी हो सकती है कोई लेटर हो सकता है बट पॉइम नहीं हो सकता तो वो पेन नहीं हो सकता पेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से लिखने का काम किया जाता है तो हम यहां पे प्रिपोरेशन लिखेंगे विद इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोरेशन विद होती तो हम ऐसे लिख देंगे आई अ पेन दैट आई कैन राइट विद तो ये जो विदोरेशन है ना दैट इसका बन गया जो है वो वर्ब का object नहीं है वो इस with का कैन ट्रेवल वर्ब हो गई दे सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का तो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज में दैट प्रोनाउन लिखा ये दैट प्रोनाउन क्या हुआ वर्क का ऑब्जेक्ट हुआ क्या नहीं ये वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है वर्व इन ट्रांसटिव है तो अगर ये वर्व इन ट्रांसटिव है तो फिर ये हमने प्रोनाउन कैसे जस्टिफाई करेंगे कोई भी सेंटेंस में जब आप नाउन प्रोनाउन यूज करते हो तो वर्क का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है ठीक है नहीं वर्क का ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा अब ये जो दैट है वो दैट का मतलब है कार अब वो कार जो है वो ट्रेवल वर्क का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि कार को हम ट्रैवल नहीं करते कार की मदद से ट्रेवल करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन लिखनी है बाइक means of transportation की that preposition हो गया, ठीक है और ये सॉरी दैट ऑब्जेक्ट हो गया और ये बाई प्रिपरेशन हो गया तो हम लिख देंगे दे नीड अ कार दैट दे कैन ट्रैवल बाय कि उनको एक कार की जरूरत है जिससे कि वो ट्रैवल कर पाए अगला देखो द पर्पस दैट हीSuffered was very noble अब यहां से ना ये इतनी है रिलेटिव क्लॉज ये एक्चुअली में इतनी रिलेटिव क्लॉज है बस ठीक है ये ध्यान रखना है तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यहां पे हमने रिलेटिव क्लॉज है ना सेंटेंस के बीच में लिख लिए बस इतनी है रिलेटिव क्लॉज द पर्पस वॉज वेरी नॉवल वो मेन क्लॉज है ठीक अब ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है ये रिलेटिव क्लॉज का एंटीसेंट है purpose. मतलब ये पर्पस के लिए यूज हुई है इसका सब्जेक्ट है ही ठीक है और सफर्ड है वर्ब और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये वर्ब का सब्जेक्ट तो है नहीं तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा लेकिन ध्यान से देखो दैट का मतलब है पर्पस क्या पर्पस सफर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है हम सफर क्या करते हैं हम सफ़र ह्यूमिलिएशन करते हैं हम सफ़र पेन करते हैं ठीक है लेकिन हम पर्पस तो सफ़र नहीं करते तो पर्पस जो है वो सफर वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता पर्पस जो है वो रीज़न हो सकता है पर्पस रीज़न नहीं होता है कि भाई हमने सफर किया तो क्यों सफ़र किया तो रीजन के लिए यहाँ पे हमें प्रिपोरेशन लिखनी पड़ेगी फॉर तो जब हम यहाँ पे फॉर प्रिपोर्सन लिख देंगे ना बच्चे तो ये जो दैट है वो इस वेपोरेशन का ऑब्जेक्ट होने का वर्क का नहीं, तो, के के नहीं तो ये बड़े कॉमन टाइप के सेंटेंसेज हैं कि हमने कोई रिलेटिव क्लॉज को लिख दी ठीक है और उस रिलेटिव क्लॉज में हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया वो न वर्ब का सब्जेक्ट है न वर्ब का ऑब्जेक्ट है बल्कि किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो प्रेपोजिशन कई बार मिसिंग होती है अच्छा होता क्या है जब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिखी जाती है अगर यहाँ पे दैट के बजाय विच होता थोड़े समय के लिए मान लो कि यहाँ पे दैट नहीं होता यहाँ पे विच होता ठीक है तो ये प्रेपोजिशन पहले भी लिख सकते थे आई हैव अ पेन विद विच आई कैन राइट दे नीड अ कार बाई विच दे कैन ट्रेवल द पर्पज फॉर विच ही सफर्ड वॉज वेरी नॉबल लेकिन अगर दैट हम प्रेपोज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम कभी भी यूज करेंगे और दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो वो प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लॉज के एंड में ही आएगी ये कन्फर्म है ठीक है तो हमने ये बाद में लिख दिया अब जरा एक बार सेंटेंस देखो बस इतना देखो सेंटेंस तो बहुत बड़ा है वर्ड इज स्टूड आउट विद मैड मिकलसन पॉर्ट्रेल ऑफ दबलिस्टिक सीरियल किलर ठीक है मैड मिकेलसन प्रॉपर नाउन है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कोई ऐसा पर्सन होगा ठीक है मैड मिकेलसन का जो पोर्ट्रेय था कैनिबलिस्टिक का cannibalistic का मतलब होता है कैनिबल समझते ही है, अपनी ही स्पीसीज को खाने वाला कैनिबल का मतलब होता है वैसे तो लोग नरभक्षी कहते हैं बट एक्चुअली नरभक्षी नहीं होता कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी ही स्पीसीज को खा जाए कोई मनुष्य है वो मनुष्यों का ही भक्षण करे तो उसे कैनिबल कहते हैं ठीक है तो यहां पर हम बता रहे हैं कि जो मैड मिकलसन का पोर्ट्रेयल है सीरियल किलर का उसको जो आउटस्टैंडिंग बनाता है वो चीज क्या है ठीक है वट स्टूड आउट विद मैड पोर्ट्रेयल ऑफ द सीरियल किलर कैनिबिलिस्टिक सीरियल किलर का जो पोर्ट्रेयल था मैड मिकल्सन का उसको क्या विशेष बनाता है क्या आउटस्टैंडिंग बनाता है वो क्या है पता है द फिनेस दैट इ डिड इट विद इट फिनेस का मतलब होता है स्टाइल एलिगेंट स्टाइल मतलब बहुत ही मतलब नजाकत के साथ में बहुत अच्छे स्टाइल में कोई काम कर पाए तो उसे कहते हैं ठीक है तो यहां पे हमने लिखा ना इज द फिनिश दैट ही डिड इट तो ये जो हमने लिखा है दैट ही डिड इट ये ध्यान से देखो ये है क्या यह सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो जान ही होगी क्योंकि ही सब्जेक्ट है डिड इट उसका प्रेडिकेट है दैट कंजेंशन है तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है अब इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का फंक्शन देखो सेंटेंस में क्या है क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसे हम नाउन कहें नहीं क्या ये वेन वेयर बाय हाउ का रिप्लाई है जो एड वर्क करें नहीं तो ये है क्या ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनिश ये जो फस हमने नाउन लिखा ना ये इसी का डिस्क्रिप्शन है फिनेस का मतलब है एलिगेंस स्टाइल ये नाउन है और ये नाउन ये रिलेटिव तो क्लॉज हो गई अब इस रिलेटिव क्लॉज में हमने वर्ब यूज किया का subject है, he. Verb का object है है तो अब हमें समझना है ये कि वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया और ऑब्जेक्ट इट हो गया तो फिर ये दैट रिलेटिव नाउन किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वर्ग का सब्जेक्ट है नहीं वर्ग का ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये किसका होगा ये किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा अब हमें प्रेपोजिशन अपने आप सोच के लिखनी हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करें तो यहाँ पे देखो ये मैनर की बात हो रही है कैनिबलिस्टिक क्लियर को उन्होंने जो पोर्ट्रेट किया वो कैसे पोर्ट्रेट किया बहुत ही एलिगेंस के साथ में बहुत ही स्टाइल के साथ में मैनर को रेफर करना है ठीक है मैनर के लिए हम विद का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा द फिनेस दैट ही डिड इट विद आंसर है मतलब सी पार्ट में आ रहा है आपको विद लिखना पड़ेगा लास्ट में क्योंकि जो दैट है ना रिलेटिव प्रोनाउन विद प्रशन का ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये आंसर है।, है तो बेटा ये पूछो कि दैट कंजंक्शन क्यों है पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें दैट कंजंक्शन क्यों लगा ये देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना वो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन होते हैं ये ध्यान रखना है रिलेटिव क्लॉजेस जो हम लिखते हैं तो रिलेटिव क्लॉजेस में जो कनेक्टिंग वर्ड होता है जिसको आप केवल कंजंक्शन कह रहे हो मैं उसे कह रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव क्लॉजेज में जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो कंजंक्शन भी होता है साथ ही साथ में प्रोनाउन भी होता है हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं ठीक है तो वो जो कनेक्टिंग वर्ड होता है रिलेटिव क्लॉज में वो अपनी क्लॉज में प्रोनाउन के रोल में होता है मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रोल में भी होता है ठीक है चलो तो इसका आंसर ये हो गया बाकी एग्जाम्पल भी ध्यान रखना ये इजी एग्जाम्पल थे अगला क्वेश्चन देखो तो क्या आगे?